नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद पंचायत टोंक खुर्द में पदस्थ उपयंत्री के साथ ग्राम देवगुराड़िया के सरपंच राजेंद्र सिंह गुर्जर एवं सरपंच के गुर्गों के द्वारा लोहे की रॉड से पाइप से मारा गया। विवाद आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर हुआ। सरपंच के द्वारा उचित मापदंड का सरिया नहीं लगाने पर उपयंत्री के द्वारा उस कार्य को रोकने को कहा। इस बात से क्षुब्ध होकर सरपंच एवं उसके गुर्गों के द्वारा उपयंत्री से सोधिया की सरियों एवं रॉडों से मारपीट शुरू कर दी गई। इसी प्रकार उपयंत्री अपनी जान बचाकर टोंक खुर्द थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचा। थाना प्रभारी ने चिकित्सा जांच करवाकर रिपोर्ट दर्ज की। जनपद सीईओ शिवहरे ने बताया कि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पीड़ित सिसोदिया ने बताया कि मैं आज सीईओ साहब के निर्देश पर निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने गया था, वहीं पर सरपंच और उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। मैं किसी प्रकार अपनी जान बचाकर थाने आया। एएसआई सौदान सिंह विश्वकर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है, अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचने वाली बात है कि आज की राजनीति इतने निम्न स्तर की हो गई है कि एक सरकारी कर्मचारी को मीत अपने स्वास्थ्य के चलते बेखौफ होकर जान से मारने पर आमादा हो गए हैं। आज आपके साथ में क्या घटना घटित हुई और कहाँ पर हुई और किनके द्वारा की गई? सरपंच देवगुराड़िया राजेंद्र सिंह गुजर हैं। पिछले कई दिनों से अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके लिए मेरे द्वारा मना किया जा रहा था। उनको खोदे हुए तालाबों को खोदे हुए गड्ढों को तालाब में परिवर्तित करने के लिए बार बार दबाव बना रहे थे। और संडे के दिन उनके पास दो फ़ोन लगाए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो कल दोबारा फ़ोन लगा के चमका रहे थे कि फ़ोन नहीं उठाते हुए नहीं करते, और ग्राम पंचायत में आओगे तो सीधा कर देंगे, देख लेंगे। इस पर मैंने उनसे आपत्ति ली थी कि इस तरीके की भाषा का उपयोग मत करिए। आज मैं आंगनबाड़ी के निरीक्षण पर गया था, तो आंगनबाड़ी के निरीक्षण पर साहब के द्वारा कल 16 mm के सरिये डालने के लिए बताया गया था, तो मेरे द्वारा भी 16 mm के सरिये के लिए बोला गया था बीम में, तो वो 10 mm के सरिये डालने पर अड़ा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप साहब से बात कर लीजिए एक बार और 16 mm के सरिये डालिए, तो इस पर गाली गलौज करने लग गया और बोला तेरे को भी संडे को भी समझाया था ना, तेरे को समझ में नहीं आ रही है इस तरीके से करके, और बोला चल अंदर रूम में, वहाँ ले जाके ना 5-7 लोग आ गए, रॉड से हमला कर दिया और मारना कबड्डी करने लग गया, और जान से मारने की पूरा मेरे को जान से मारने की पूरी कोशिश करी, वहाँ से भागा हूँ मैं। क्या ये सरपंच वहाँ पर खुद कार्य कर रहा है या किसी ठेकेदार के द्वारा करवा रहा है? मिस्त्री के द्वारा काम करा रहा था और सरिया काटने वाले भी लोग थे, उनको मैंने सरिया का समझाया और वो सरिया काटने वाले व्यक्ति ने भी उस पर हमला करा रॉड के साथ में मेरे को, और अज्ञात लोग थे, बाकी मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। बाकी पूरे घटनाक्रम में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक जिनने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, और सरपंच की सूचना नहीं थी कि वहाँ पर सरपंच भी है, और उसको समझाने के बाद उनने मेरे साथ मारपीट कर लिया। तो यह सारा घटनाक्रम मतलब सरपंच के कहने पे और सरपंच के द्वारा किया गया है, और ग्राम रोजगार सहायक की उपस्थिति में किया है, उसने बीच बचाव करने की भी कोशिश की पर उसने किसी की नहीं सुनी। और आपका नाम? सुमित सोनी। किस पद पे हैं? उपयंत्री जनपद पंचायत। सर आज क्या विवाद हुआ? सर हमारे संबंधित उपयंत्री सुमित सिसोदिया के साथ में एक घटना हो गई, उसकी जानकारी थाने में FIR दर्ज कराई है, विवेचना जारी है। किस बात को लेके हुआ और किसने किया है इनके साथ घटना घटित की? कुछ अज्ञात लोग हैं उसमें, कहीं देवगुराड़िया ग्राम पंचायत में मूल्यांकन करने के लिए काम देखने के लिए गए थे, तो अभी पूरी जानकारी सामने आ रही है। क्या वहीं के निवासी थे या वहाँ के? अब इतनी जानकारी अभी उनको भी नहीं है, वो भी अपरिचित है उन लोगों से, 7-8 लोग थे। अच्छा, तो मुकदमा क्या किस हिसाब से दर्ज करवाया अभी? FIR शासकीय कार्य में बाधा है, शासकीय कार्य में बाधा मारपीट। आपका नाम? मैं चरत सिवरे, सीओ जनपद। सर आज जो ये घटनाक्रम घटित हुआ, सब इंजीनियर के साथ में मारापीटी की गई, उस मामले में सर आप क्या कार्रवाई की गई और कितनी गिरफ्तारियां हुई है? मामला ग्राम देवगुराड़िया का है, सुमित सिसोदिया उपयंत्री पंचायत तो खुर्द के, वहाँ आंगनबाड़ी के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उसमें उसका मूल्यांकन वो निरीक्षण करने गए थे, वहाँ उनके साथ गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह ने व उसके साथियों ने बाधा कार्य में बाधा डालकर मारपीट की है, जिसका प्रकरण दर्ज किया गया है। किन धाराओं में किया गया? शासकीय कार्य में बाधा डालना व मारपीट करना, जान से मारने की धौंस देना आदि धाराओं में किया गया। कुछ मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई अभी? गए हैं, मुलजिम तलाश में गए। क्या इसमें सरपंच भी इन्वॉल्व है? सरपंच ने तो की हमारे। अच्छा, मुख्य आरोपी वही है जी। धन्यवाद। आपका नाम और पद? SI सोदान सिंह विश्वकर्मा, थाना टोंक खुर्द।
यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।